Hello student, today we are going to discuss our new chapter, chapter 2, fraction. In this chapter, we will discuss what is fraction, types of fraction, compare of two fraction, addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction, and last, division of fraction. First, we introduce what is fraction. Fraction, the definition of fraction, the numbers of the form A by B. Where A and B are whole numbers and B not equal to 0 are known as fraction. यानी कि ऐसा नंबर जो A by B के फॉर्म में लिखा जाए और A और B जो हो वो whole number हो. Whole number का means मतलब whole numbers को याद करते हैं, हम लोग whole numbers देखे थे, वो 0, 1, 2, 3, 4, so on, ये हमारा जो होता था ये whole number होता था. तो इस तरह के फॉर्म में अगर कोई दो whole number के लिखे, जैसे 7 हमारा एक नंबर है और 5 ये भी 7 एक whole number है, 5 भी whole number है. तो इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर क्या जाएगा, हमारा कहलाएगा इन फ्रैक्शन कहलाएगा. तो फ्रैक्शन को ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ जो नीचे वाला जो है हमारा ए बाई बी के फॉर्म में होगा, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी को जीरो नहीं कंसिडर करेंगे, यानी कि जीरो नहीं कंसिडर करेंगे बी को, बाकी सारा होल नंबर कंसिडर कर सकते हैं. तो हमारा ऐसा जो फॉर्म में आएगा वो कहलाएगा फ्रैक्शन. इन ए बाई बी वी कॉल ए एज न्यूमरेटर, ए को न्यूमरेटर कहेंगे एंड बी हैज डिनोमिनेटर, मतलब हमारा जो ऊपर वाला होगा वो कहलाएगा न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होगा वो कहलाएगा डिनोमिनेटर कहलाएगा. तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हमने 5 बाई 7, फर्स्ट एग्जाम्पल 5 बाई 7, 5 इज डिनोमिनेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर. सेकेंड एग्जाम्पल, एक सेकेंड एग्जाम्पल 2 बाई 3, 2 इज द न्यूमिनेटर एंड 3 इज द डिनोमिनेटर. Now our next topic, types of fraction. First, decimal fraction. A fraction whose denominator is any of the numbers, 10, 100, 1000, 10,000, etc. is a decimal fraction. यानी कि ऐसा fraction जिसके denominator में नीचे में, जैसे denominator तो नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वो decimal fraction कहलाएगा. उसको decimal में आसानी से हम लोग convert कर लेते हैं, इसलिए decimal फ्रैक्शन कहलाएगा. यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसके जैसे डिनोमिनेटर में 10,000 इसी हो कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल 3/10, आप कोई भी यहां पर ऑल नंबर्स यूज करेंगे, एक्सेप्शन नीचे में 10,000 की सब यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू आता है हर एग्जाम में, लगभग आपके एग्जाम में आएंगे. वल्गर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. वल्गर फ्रैक्शन, a fraction whose denominator is a whole number, ऐसा fraction जिसका denominator whole number हो, other than 10, 100, 1000. यहाँ देखिए इस form में था तो वो कहलाएगा था decimal, अब इसको छोड़ के अगर मतलब decimal नहीं होगा तो वो कहलाएगा वर्ग ऑफ फ्रैक्शन. तो उसको कहेंगे 10, 100, 1000, 10,000 is called a वर्ग ऑफ फ्रैक्शन. अगर 10, 100, 1000, 10,000 सबको छोड़ के हो, कोई और हो उसके denominator में कोई और नंबर हो, 10, 100, 1000 सब के फॉर्म में ना हो, ऐसा फ्रैक्शन कहलाता है वर्ग ऑफ फ्रैक्शन. आप कोई भी एग्जांपल वर्ग ऑफ फ्रैक्शन का इस तरह से ले सकते हैं. अब आगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारा आएगा नेक्स्ट प्रॉपर इन प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन पे बात करेंगे हम लोग. थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा. यानी 5 छोटा है, 7 बड़ा है, यहाँ 29 स्मॉलर है 41 से, यानी 29 स्मॉल है 41 ग्रेटर है. न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसी का उल्टा, यदि उल्टा कहेंगे इसके, आपको न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा वह डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के बराबर होगा. यानी कि यहां जो होगा न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के बराबर होगा, तो ऐसा फ्रैक्शन कहलाएगा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. मतलब
एक कोई नेचुरल नंबर होगा और यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है, कोई भी मान लें जैसे 1/7 होल 1/2, ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं 2 होल 1/3, 4 होल 7/8, 5 होल 1/2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हमारे ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पिछले क्लास में क्लास 4 और 5 में भी इसको, क्लास 4, 5, 6 तक इसको देख चुके हैं। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर पर आते हैं, हमारा वी हैव जो दिया हुआ है 5 होल 1/2 है, इसको बनाते हैं। इसके एक रूल्स था, हम लोग जानते थे कि इसके जो है न्यूमरेटर जो होता है इसको 5 और 2 को इंटू करते हैं, 5 इंटू 2, और इसके जो न्यूमरेटर होता था इसको ऐड करते थे, डिनोमिनेटर में इसका 2 आता है। यानी कि यहाँ जो भी नेचुरल नंबर है उसके इसके जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे 5 है 5 को 2 से प्रोटेक्ट करेंगे 5 2, फिर इसको ब्रैकेट में देखे, यानी पहले बोर्ड मास में इसको रूल्स में पहले इसको सॉल्व करना है, फिर प्लस देते हैं, ऊपर में जो भी नोमिनेटर रहता है उसको ऐड कर देते हैं, नीचे भी जो उसका रहता है उसको नोमिनेटर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं 5 2 10, 10 + 1/2 दैट इज 11/2। ये हमारा इसका जो 5 होल 1/2 था इसका ये इम्प्रूव फ्रैक्शन का ऐसा है। तो आप इसको दो स्टेप को दिखा के बनाए तो बेहतर है, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। यहाँ आने वाले समय में जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज के अंदर ऐसे मिलेगा तो डायरेक्ट इसकी जगह पर ये लिखेंगे। इसी तरह आप इसको और इसको घर में ट्राई करेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी इस क्वेश्चन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। सॉल्यूशन में आते हैं, हमारा पहला सॉल्यूशन में आता है एक नंबर में 22/7 है, इसको कन्वर्ट करना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो रफ में हम लोग इसको 7 से 22 को डिवाइड करेंगे रफ में, तो 7 के टेबल में 22, 3 टाइम्स में 21 आता है और रिमाइंडर बचता है 1। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का है, तो इतना हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट इसको इक्वल टू देके नीचे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 होल, यहाँ पर होल आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचा है ये ऊपर आ जाएगा, जिससे डिवाइड किए वो नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 22/7 को सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे रफ में, राइट साइड में, रफ नहीं करेंगे इसको, राइट साइड में बनाएंगे कॉपी में। तो 7 जो डिनोमिनेटर होगा उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड जैसा जाएगा नंबर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ ऊपर में मिक्स फ्रैक्शन का जो पार्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर बनाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ आ जाएगा और जिसे डिविजन होगा वो रिमाइंडर के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर घर में ट्राई करेंगे।